केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। शरद पवार से बगावत करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट के 8 विधायकों को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार के कैबिनेट में विभाग के बंटवारे को लेकर चल रहा गतिरोध आज यानी शुक्रवार को खत्म हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी के विभागों का बंटवारा कर दिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त विभाग और नियोजन, छगन भुजबल को अन्य नागरिक आपूर्ति, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारी मंत्री और हसन मुशरीफ को चिकित्सीय शिक्षा विभाग मिला है। इसके अलावा धर्मराव बाबा अत्राम को अन्न और औषधि प्रशासन, अदिति तटकरे को महिला एवं बाल विकास, संजय बंसोड़े को खेल एवं युवा मंत्रालय और धनंजय मुंडे को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं अनिल पाटिल को मदद पुनर्वासन के साथ आपदा व्यवस्थापन विभाग सौंपा गया है। मुख्यमंत्री शिंदे के पास सामान्य प्रशासन, शहरी विकास परिवहन विभाग, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन और खनन विभाग की जिम्मेदारी है। इसके अलावा वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी सहित सूचना और जनसंपर्क मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह, कानून और न्याय विभाग की जिम्मेदारी है। इसके अलावा फडणवीस के पास जल संसाधन, लाभ क्षेत्र, विकास, ऊर्जा और शाही शिष्टाचार विभाग भी है। अजीत ने सहमति हो जाने का संकेत दिया था। हालांकि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पहले ही पुष्टि की थी कि कैबिनेट विस्तार के लिए पोर्टफोलियो की सूची राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। पोर्टफोलियो विभाजन की लिस्ट को अंतिम रूप देने और उसको सौंपने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी आज राज्यपाल के आधिकारिक निवास पहुंचे। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित होने के बाद सूची को आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को भेज दिया जाएगा। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।